जय हिंद दोस्तों, वेलकम यू अगेन ऑन दिस सीरीज ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमारे इस चैनल पे कॉमर्स के बारे में जो चीजें बात होंगी उसमें पहली टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चल रही है, जो कि क्लास 11th में इंट्रोड्यूस होता है। हमने पिछले वीडियो में BRS का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और आज का वीडियो उसी का एक्सटेंशन होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये होगा कि BRS का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट आर द बुक्स इन्वॉल्व्ड इन इट एंड व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ विच BRS इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। बच्चे अक्सर पूरी अकाउंटेंसी पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनमें जो रियल लाइफ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है वो नहीं जान पाते हैं। इन दिस चैनल वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू, वी आर गोइंग टू शो यू व्हाट इज द एक्चुअल कैश बुक एंड एक्चुअल पासबुक। उसके साथ हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि BRS बनता कैसे है और क्यों बनता है। इस सीरीज में हम उसे कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे लेकिन उसके लिए आगे वीडियोज का आपको वेट करना होगा। आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताएंगे BRS का, जो उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो आइए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे दो बुक्स का मैंने प्रोफॉर्मा लिया है। एक है कैश बुक और दूसरी है पासबुक। कैश बुक का सिर्फ आपको डेबिट कॉलम ही है, क्योंकि जब भी हम कोई पैसा रिसीव होता है तो कैश बुक है डेबिट में होता है। तो आप एंट्री जानते होंगे कैश अकाउंट DR टू, जिससे भी आपको पैसा मिले पार्टी का नाम आप वहां पे दे देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी आप वहां पे कर देते हैं। तो यहां पे भी कैश अकाउंट, चूंकि हमको जब पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कैश अकाउंट कैश का डेबिट कॉलम ही लिया हुआ है। और डेबिट में भी हमने सिर्फ बैंक कॉलम लिया है, क्योंकि जब भी आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको सिर्फ बैंक की कॉलम में ही एंट्री करनी होती है, दूसरे कॉलम में नहीं करनी होती है। हालांकि कैश के अलावा बैंक के अलावा उसमें कैश और डिस्काउंट कॉलम भी होता है, जिसको हम 3 कॉलम कैश बुक बोलते हैं। लेकिन वहां पे अभी हम जो सिर्फ लेंगे वो सिर्फ बैंक अकाउंट बैंक कॉलम ही लेंगे। दूसरी बुक जो यूज में यूज होती है वो है पासबुक की। पासबुक आपको बैंक खुद देता है अपने पास, उसमें आप अपने से कोई एंट्री नहीं करते हैं। उसमें जो भी एंट्रीज होती है वो पासबुक में बैंक खुद करता है, आपकी कोई एंट्री उसमें नहीं जाती है। इसलिए जो उसमें एंट्रीज होती हैं वो बैंक की इंफॉर्मेशन के थ्रू होती है। अगर बैंक के पास वो इंफॉर्मेशन है तो बैंक उसमें एंट्री करेगा, बैंक के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसमें एंट्री नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर अराइज होता है और बच्चे उसका आंसर देने में थोड़े डिफिकल्ट महसूस करते हैं, वो ये कि कैश बुक का सर डेबिट कॉलम है लेकिन पासबुक का तो क्रेडिट कॉलम है, ऐसा क्यों? ऐसा बच्चों इसलिए क्योंकि कैश बुक आप बना रहे हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके पास पैसा आया तो आपने डेबिट कर दिया, लेकिन पासबुक आपका नहीं है। पासबुक किसका है? बैंक का है। और बैंक के लिए आपको पता होगा आपके पास उसकी डिपॉजिट होती है। क्या होती है दोस्तों? डिपॉजिट होती है। वो डिपॉजिट उस बैंक के लिए एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी अक्सर क्रेडिट होती हैं, अगर आपने अकाउंटेंसी के रूल्स पढ़े हैं तो। जो डिपॉजिट होती है उसके लिए एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती हैं, इसीलिए पासबुक में वो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है आपका। आपका जितना ज्यादा क्रेडिट बैलेंस है उतना ज्यादा आपका बैलेंस ज्यादा है, और यहाँ पे जितना ज्यादा डेबिट बैलेंस है उतना ज्यादा आपका बैलेंस ज्यादा है। तो ये एक मेन डिफरेंस है कि कैशबुक और पासबुक में कैशबुक डेबिट होती है और पासबुक क्रेडिट होती है। अब आपको समझाते हैं कि इसमें अंतर क्यों आता है। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए पहले में मिस्टर ए डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट ₹1,000। अब इसमें होगा क्या कि ए ने हमारे अकाउंट में ₹1,000 डेबिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए, जमा कर दिए, क्रेडिट डेबिट छोड़िए आपने जमा कर दिए। तो हम जब इसकी एंट्री कैश बुक में कर रहे होंगे तो क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास कैश बुक के बैंक कॉलम में 1000 रुपीज
1000 रुपीस आ जाएगा और पासबुक में चूंकि उसने बैंक उस मिस्टर ए ने हमारे बैंक में डाल दिया था तो पासबुक में भी आपको 1000 रुपी क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो यहाँ पे तो कोई अंतर आने वाली बात नहीं है। दूसरा एग्जांपल कि मिस्टर बी गेव अ चेक ऑफ रुपीज 5000, मिस्टर बी ने हमको चेक दिया। इन दोनों ट्रांजेक्शन में अंतर क्या है? इन दोनों ट्रांजेक्शन में अंतर ये है कि पहले वाले में मिस्टर ए ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट किया था और दूसरे वाले में मिस्टर बी ने हमको चेक दिया है, अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं किया है। तो हमको भी अगर चेक देगा तो इन केस अगर हम उस चेक को उठा करके अपने बैंक को दे दें तो वो एंट्री हमारे पासबुक में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो अगर हमने दे दिया है तो हम कैशबुक में भी 5000 लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करके और पासबुक में वो क्रेडिट हो जाएगी 5000 रुपीस से। लेकिन अगर हमने ये चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो अगर हमने ये नहीं किया है तो ये अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा दोस्तों। तीसरी एंट्री, इंटरेस्ट क्रेडिटेड रुपीस 50। जब आपने बैंक आपके बैंक ने 50 रुपीज इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया तो सर ये बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट है, इसका आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलता नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू सेल्फ गो टू बैंक एंड आस्क फॉर दिस इन्फॉर्मेशन वेदर बाय पासबुक और थ्रू अकाउंट स्टेटमेंट। तो अगर आप पासबुक और अकाउंट स्टेटमेंट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो ठीक है, वरना ये इन्फॉर्मेशन जल्दी आपको मिलती नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में इस चैनल पे दोस्तों हम पूरी बात प्रैक्टिकलिटी के थ्रू करेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होने का मैसेज आता है और इसमें भी कैच ये है कि कुछ बैंक मैसेज देते हैं कुछ बैंक मैसेज नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कभी सिंडिकेट बैंक का अकाउंट हुआ करता था तो सिंडिकेट बैंक तो मुझे 2 रुपये भी इंटरेस्ट क्रेडिट करता था तो मैसेज करता था। लेकिन मेरे पास एक और अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का, उस वहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो मैसेज नहीं आता है। तो अगर ये मैसेज उस बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा तो ये 50 रुपीज़ यहाँ पे सर जी नहीं दिखाई देगा, ये कभी दिखाई नहीं देगा, ये 50 रुपीज़ आपको कभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमको तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है, उस बिजनेसमैन को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है और पासबुक में ये 50 रुपीज़ का क्रेडिट जरूर दिखाई देगा क्योंकि इंटरेस्ट बैंक क्रेडिट कर रहा है और आपके पासबुक में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी ही होगी, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ये तीन बहुत ही माइलस्टोन ट्रांजैक्शन है। पहला ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें आपको भी पता चलेगा और बैंक को भी पता चलेगा। दूसरा ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें आपको पता चलेगा और आप जब तक बैंक को बताएंगे नहीं तब तक बैंक को पता नहीं चलेगा। और तीसरा ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक को पता चलेगा और आपको जब तक पता ना चले तब तक आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये वो कैच है जिसकी वजह से हमको डिफरेंस आ जाता है बैंक पासबुक में और कैशबुक में। और जहां भी डिफरेंस आया दोस्तों वहां पे हमको BRS बनाने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि हर महीने या हर क्वार्टरली में जब अब भी आपकी अकाउंट बुक चेक होगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि आपका कैशबुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से, ये यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है ये आपके पासबुक के बैलेंस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर वो मैच नहीं कर रहा है देन यू हैव टू शो अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दैट व्हाट वर द कॉजेज बिकॉज ऑफ विच योर कैशबुक बैलेंस इज नॉट बीइंग कंसाइल्ड विद द पासबुक बैलेंस। अब हम दिखाते हैं आपको कि एक्चुअल कैशबुक और पासबुक होती कैसे है। ये देखिए दोस्तों, ये कैशबुक है जिसमें ये कैशबुक है जिसमें एक बिजनेसमैन ने अपनी काफी चीजें लिख के रखी हुई हैं। जैसे ये उसका ओपनिंग बैलेंस है मार्च का, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस है उसी मंथ का, यहाँ पे उसको ये उसका डेबिट कॉलम है जहाँ पे उसको पैसे मिले होंगे, ये उसका क्रेडिट कॉलम है जहाँ पे उसने पैसा दिया होगा। यहाँ पे देखिए आप दोस्तों कि कोई ऐसी अमाउंट होगी जो हमको देखिए इस कैशबुक के सिर्फ इस कॉलम से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम से, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो। वहाँ उसमें हमने पिछले वाली स्लाइड्स में हमने सिर्फ डेबिट ही लिया था लेकिन आप डेबिट और क्रेडिट
एक्चुअल क्वेश्चन में दोनों देखेंगे, जब हम एक्चुअल क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे आपको दोनों का जरूरत पड़ेगा, वो आपको बताएंगे। बात यह है कि हमको सिर्फ और सिर्फ बैंक के कॉलम से मतलब है और किसी भी कॉलम से मतलब नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जैसे हम आपको दिखाएं एक कि जैसे मान लीजिए ये पीटर एंड कंपनी है, इसने 880 रुपीज बैंक में जमा किया, मतलब बैंक ने मान लीजिए इसे पीटर एंड कंपनी ने हमें कोई चेक दिया था और मैंने उसे बैंक कॉलम में लिख लिया, लेकिन इस चेक को हम बैंक में डालना भूल गए हैं, इस चेक को हम बैंक में नहीं डाले हैं, तो क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन बैंक को कभी नहीं मिलेगी और वो हमारे पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ये कभी भी मेरे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करेगा। हम मेरा 3630 रुपीज हैं, बट पासबुक विल नेवर शो दैट द बैंक इज कंटेनिंग विथ 3630 रुपीज। ये थी आपकी एक एक्चुअल कैश बुक। इसमें कुछ जैसे ये वी एंड वाउचर नंबर है, ये पीआर रिसिप्ट नंबर है, ये कैश का कॉलम है और ये बैंक का कॉलम है। इसमें एक्चुअली एक कॉलम और हो सकता है, डिस्काउंट का कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल पासबुक कैसी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये है एक्चुअल पासबुक। हमने जो पिछला कैशबुक निकाला था वो भी इंटरनेट से ली हुई एक तस्वीर ही थी, और ये एनसीईआरटी के बुक से हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। ये एक एक्चुअल पासबुक है, ये धीरेन्द्र नेशनल बैंक है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई बैंक एक्चुअल में होता है, ये धीरेन्द्र नेशनल बैंक है, आप इसको पंजाब समझ लीजिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक है या कोई भी बैंक आप समझ सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट स्टेटमेंट है, जिसमें कुछ चीजें बैंक आपको बता रहा है कि किस किस चीज से पैसा डेबिट या क्रेडिट हुआ है। ये चेक नंबर है, अगर चेक के थ्रू काम हुआ है, या अगर ये डेबिट हुआ है यानी अकाउंट से पैसा माइनस हुआ है, और क्रेडिट यानी कि अकाउंट से पैसा प्लस हुआ है। ये बात हम आप हमेशा याद रखिएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कि कैश बुक के लिए डेबिट एक पॉजिटिव है, यानी कैश बुक में डेबिट साइड से पैसा बढ़ता है, और पासबुक के लिए क्रेडिट पॉजिटिव है, यानी कि क्रेडिट साइड से पैसा बढ़ता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कैश बुक के लिए है, ये कैश बुक के लिए है, और ये पासबुक के लिए है। कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड से पैसा बढ़ता है और पासबुक में हमेशा क्रेडिट साइड से पैसा बढ़ता है। अब आप देखिए यहाँ पे तो एक आपको दिखेगा ये टू सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज देखिए दोस्तों, बैंक ने सिर्फ 120 रुपए डेबिट किए हैं। बैंक ने कितने डेबिट किए हैं, 120 रुपए ही डेबिट किए हुए हैं। तो ये जो दोस्तों 120 रुपए उसने डेबिट किया है, वो इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन है कि सर्विस चार्ज कटने का मेनली बैलेंस मेनली इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता चलता। तो ये आप कभी भी कैशबुक में नहीं लिख पाते, तब तक नहीं लिख पाते अनटिल अनलेस यू सेल्फ गो एंड अपडेट योर पासबुक और रिसीव एन अकाउंट स्टेटमेंट थ्रू बैंक। तो अगर आपने ये काम किया है तो आपको पता चल जाएगा, अन्यथा ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। और आपके कैशबुक और पासबुक में 120 रुपीज की डिफरेंस आ जाएगी। रीजन क्या होगा, सर्विस चार्ज बीइंग डेबिटेड थ्रू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैशबुक, ऐसे स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलते होंगे। तो ये डिफरेंस का एक कारण हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों आपका कैशबुक पासबुक क्यों डिफरेंस आता है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, और सबसे जरूरी चीज ये है, अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिक समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा ही कहा जाता है, जितनी स्ट्रांग फाउंडेशन उतनी ही स्ट्रांग बिल्डिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे हमारे क्वेरीज अपना फीडबैक बिल्कुल दे सकते हैं। आई होप आई एम हेल्पिंग यू टू माई ग्रेटेस्ट कंसर्न। थैंक यू।